पैनल आज हम देखेंगे क्लास सिक्स के सब्जेक्ट गणित का गृह कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5520 प्लस 16986 का निकटतम हजार तक आकलन करते हुए हल कीजिए। यहाँ 16986 ग्रेटर देन है 5520 से। 16986 का हजार तक सन्निकट होगा 17000 और 5520 का हजार तक सन्निकट होगा 6000। आकलित योग होगा 23000 जो कि हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है निम्न को निकटतम सैकड़े तक आकलन करते हुए हल कीजिए। यहाँ है ए 439 प्लस 334 प्लस 4317। यहाँ 4317 ग्रेटर देन है 439 से, 439 ग्रेटर देन है 334 से। 4317 का निकटतम सैकड़े का मान है 4300, 439 का सैकड़े तक सन्निकट है 400, 334 का सैकड़े तक सन्निकट है 300। आकलित योग करेंगे जो कि होगा 5000। नेक्स्ट बी है 489348 माइनस 48365। यहाँ 489348 का सैकड़े तक सन्निकट है 489300। 48365 का सैकड़े तक सन्निकट है 48400। तो यहाँ माइनस करना है तो आकलित मान हो जाएगा 440900। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है 5673 माइनस 436 को निकटतम दहाई तक आकलन करते हुए हल कीजिए। यहाँ 5673 का दहाई तक सन्निकट है 5670, 436 का दहाई तक सन्निकट है 440। यहाँ इसे माइनस करना है तो आकलित मान निकाल देंगे 5230। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। ए है 578 इंटू 161, बी है 9250 इंटू 29। यहाँ सबसे पहले हल करेंगे 578 इंटू 161 को। यहाँ 578 ग्रेटर देन है 161 से, दोनों क्रमशः तीन अंकों की संख्या है, अतः 578 में सैकड़े तक सन्निकट होगा 600, 161 में सैकड़े तक सन्निकट होगा 200। यहाँ आप इनका मल्टीप्लीकेशन यानी गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 120000। सेकंड है 9250 इंटू 29। यहाँ 9250 में चार अंक तथा 29 में दो अंकों की संख्या है, अतः दो प्रकार से मान ज्ञात करेंगे। 9250 का सन्निकट मान होगा 9000, 29 का सन्निकट मान हो जाएगा 30। आकलित गुणनफल हो जाएगा 270000। जब दोनों को समान आधार तक अर्थात दाही के समान तक आकलित करेंगे तब 9250 का दाही तक सन्निकट हो जाएगा 9250 और 29 का दाही तक सन्निकट हो जाएगा 30। आकलित गुणनफल हो जाएगा 277500। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है निकटतम आकलन करते हुए हल कीजिए। यहाँ है संख्या ए में 12904 प्लस 2888। 12904 का सन्निकट मान होगा 13000, 2888 का सन्निकट मान होगा 3000। आकलित योग निकालेंगे जो कि हो जाएगा 16000। बी है 958 इंटू 387। यहाँ दोनों संख्याओं में तीन तीन के अंक हैं, अतः 958 में सन्निकट मान हो जाएगा 1000, 387 में सन्निकट मान हो जाएगा 400। आकलित गुणनफल निकल जाएगा 400000। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था आपकी क्लास सब्जेक्ट सिक्स का मैथ्स का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स अन्य क्लासेस के गृह कार्य भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।